टीकमगढ़ जिले के स्वर्ण समाज के लोगों ने स्वर्णकार कल्याण जागृति रथ यात्रा में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस यात्रा को मैहर धाम से शुरू कर टीकमगढ़ नगर में शुभ प्रवेश किया। दोपहर 2 बजे रैली बजरंग अखाड़ा से शुरू कर शहर के मुख्य मार्ग चौहार चौक, कटरा बाजार से लक्ष्मी टाकीज, स्टेट बैंक चौराहा होते हुए नजर बाग प्रांगण में आम सभा के साथ समापन किया गया। यात्रा के दौरान समाज के लोगों ने पुष्प वर्षा कर यात्रा का स्वागत किया। अध्यक्ष राजेश वर्मा ने बताया कि इस यात्रा का उद्देश्य स्वर्ण समाज को आगे लाना है एवं सरकार से 6 सूत्रीय मांगों के साथ पिछड़ा वर्ग में एक विशेष स्थान दिया जाए। इसके साथ ही हॉलमार्क खत्म करे, स्वर्ण कला बोर्ड की स्थापना की जाए, राजनीति में समाज की भागीदारी सुनिश्चित करे। वहीं बाहर से आए मुख्य अतिथियों ने मंच से समाज से अनुरोध किया गया कि समाज में एकजुटता बनाए रखें। टीकमगढ़ से सुबोध पाठक की रिपोर्ट। ये कार्यक्रम मुख्य रूप से पूर्णतः सामाजिक कार्यक्रम है और हमारी सरकार से कुछ मांगे हैं कि हमारा मध्य प्रदेश में हमारी समाज पिछड़ा वर्ग में आती है तो पिछड़ा वर्ग आयोग में हमारे समाज के लोगों का स्थान मिले। दूसरा, स्वर्ण कला बोर्ड का मध्य प्रदेश में गठन होना चाहिए। धारा 411-12 का जो पुलिस दुरुपयोग करती है उसके लिए एक थाना लेवल पर छानबीन समिति का निर्माण किया जाए। ऐसी तमाम मांगों को लेकर के यात्रा 5 तारीख को मैहर से निकली है और 16 जनवरी को भोपाल में ये एक विशाल रूप लेगी। और इसमें आपका क्या क्या मांग और भी है, क्या क्या चाहते हैं? मुख्य मांगे तो यही, बाकी क्षेत्रीय में जैसे खरगापुर में जो घटना घटित हुई अभी तक उसका उजागर नहीं हो पाया है, ये भी मांग हम उसमें शामिल करेंगे। जो गांव जो क्षेत्रों में मांगे मिल रही हैं उनको ऐड करते जा रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में देखा जाए कि अभी भी समाज के लोगों के साथ थोड़ा भावना मांगे लाएंगे, इसीलिए तो जागरूक कर रहे हैं लोगों को और अन्य समाज से भी निवेदन करते हैं। हमारा समाज बहुत पुरातन समाज है, देश को बनाने संवारने में हमारा बहुत बड़ा योगदान रहा, इसलिए ऐसी समाज के साथ किसी तरह से अन्याय अत्याचार न हो, एकजुटता का परिचय दे, इसीलिए यात्रा निकाली गई। यह है स्वर्णकार जागृति रथ यात्रा लेकर हमारे प्रदेश नेतृत्व से श्री रायस भाई साहब, प्रदेश अध्यक्ष स्वर्णकार समाज, हमारे भाई साहब श्री देवदत्त जी यह यात्रा लेकर हमारे बीच में आए हैं। संपूर्ण समाज में बहुत हर्ष है और बड़ी संख्या में लोग एकजुटता प्रदर्शित करते हुए यहाँ इकट्ठे हुए हैं और हम सब लोग इकट्ठे रहेंगे, ये संकल्प लेकर हम यहाँ से जाएंगे और हम लोग संगठित होकर आपसी सद्भाव, सब प्रेम, सही भागता बढ़ाएंगे, यही हम सब लोगों का इस कार्यक्रम का उद्देश्य है। मैं राजेश वर्मा सोनी, प्रदेश अध्यक्ष मध्य प्रदेश स्वर्णकार समाज, और हमारे साथ आनंद सोनी है, प्रदेश महामंत्री आपके टीकमगढ़ से। आज जो कार्यक्रम हो रहा है ये पूरे मध्य प्रदेश में यात्रा हम निकालना है। 5 दिसंबर को मैहर से हमने ये यात्रा प्रारंभ की है और संपूर्ण 230 विधानसभा क्षेत्र 52 जिलों में जाएगी। हम इससे अपने समाज में जागृति लाना चाहते हैं, समाज का कल्याण करना चाहते हैं। कुछ हमारी 6 सूत्रीय डिमांड है शासन से, उनकी और अवगत कराना चाहते हैं कि हमारे शासन को जैसे हाल मार्ग में दिक्कत हो रही है या 411 में दिक्कत हो रही है तो परेशानी खत्म हो। साथ ही साथ हम चाहते हैं कि एक धर्मशाला जो कि शासन द्वारा जमीन दी जाए उसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। एक छानबीन कमेटी 411 के अंतर्गत जो बनाते हैं और चोर का कहना मानते हैं, साहूकार का नहीं मानते, ये भी हम सब खत्म करना चाहते हैं। हम स्वर्णकार समाज की जागृति के लिए पूरा प्रयास कर रहे हैं। आज़ादी के 75 वर्ष में हम प्रवेश कर रहे हैं और मगर हमको जो मूलभूत सुविधाएं हैं उससे भी वंचित रखा हो, चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी हो, दोनों लोग हमारी बातें नहीं सुनते हैं। इसलिए हम एक जागृति लाना चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग आएँ और 16 तारीख को भोपाल में एक बड़ा महासभा होगी। हम समाज को चेताना चाहते हैं कि हमारी जो संख्या है, संख्या बल के हिसाब से हमको टिकट भी चाहिए, नगरीय निकाय में भी चाहिए, पंचायत में भी चाहिए, विधानसभा में भी चाहिए और संगठन में भी चाहिए। दोनों पार्टियों से हमारा ये कहना है और ये भी हमारा कहना है कि स्वर्णकार समाज अब जाग गया है। 75 वर्षों से आप लोगों ने हमारा वोट लिया है, वोट का इस्तेमाल किया है, सुविधा कुछ नहीं दी है। इस बार आप चेत जाइए, अगर आप नहीं चेते तो परिणाम भुगतने के लिए तैयार भी रहें। हेलो फ्रेंड्स,
आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 News। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।